इंदौर तेजाजी नगर पुलिस ने पुलिस विभाग में पदस्थ एक सब इंस्पेक्टर पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया। आरोपी सब इंस्पेक्टर फिलहाल मंदसौर में पदस्थ है। इंदौर में पदस्थ एक महिला आरक्षक ने तेजाजी नगर थाने पहुंचकर सब इंस्पेक्टर रितेश नागर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि वह जब इंदौर में पदस्थ था तो इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हो गया था। इसी दौरान आरोपी द्वारा कई बार उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया, वही लगातार शादी का झांसा भी देता रहा। लेकिन जब महिला आरक्षक को इसकी सच्चाई पता चली कि रितेश पहले से ही शादीशुदा है, जो दो बच्चों का पिता भी है, उसके बाद महिला आरक्षक ने थाने पहुंचकर आरोपी सब इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भी दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए टीम को मंदसौर रवाना किया। यह भी बताया जा रहा है कि महिला आरक्षक की जान पहचान सब इंस्पेक्टर से भोपाल में ट्रेनिंग के दौरान हुई थी और उसके बाद से ही दोनों इंदौर में लिव इन में रहने लगे थे। लिव इन में रहने के बाद सब इंस्पेक्टर आरक्षक महिला के साथ शादी के नाम पर लगातार संबंध बनाता रहा और जब महिला आरक्षक ने सब इंस्पेक्टर से शादी करने की बात कही तो वह टाल जाता। इसके बाद महिला आरक्षक ने सब इंस्पेक्टर की विभिन्न तरह की जानकारी जुटाई। उसके बाद यह जानकारी हाथ लगी कि सब इंस्पेक्टर पहले से शादीशुदा है। जैसे ही उसे इस बात की जानकारी लगी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने पूरे मामले की शिकायत पुलिस को कर दी। कल थाना तेजाजी नगर में एक महिला द्वारा एक लिखित शिकायत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके द्वारा एक सब इंस्पेक्टर है उसके साथ शादी का आश्वासन दिया और लगातार उसके साथ शारीरिक संपर्क बनाता रहा। कुछ समय पश्चात उसने शादी करने से मना कर दिया। इस पर से आवेदिका द्वारा थाना तेजी नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। प्रकरण में धारा 376 का मामला पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी सब पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद पर मंदसौर जिले में पदस्थ है और रितेश नागर नाम का यह व्यक्ति, इसके खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया है। ये पुलिस विभाग में पदस्थ है, सब इंस्पेक्टर के पद पर। इंदौर से एनके मीना के साथ सचिन शर्मा की रिपोर्ट।